आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में आजमगढ़ सदर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के हाइडिल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने 73 सीट जीती थी, इस बार हमारा लक्ष्य 74 प्लस का है। 74वीं आजमगढ़ की सीट होगी। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 3 चरणों का रुझान भाजपा के पक्ष में है, फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2014 में हम सी में से 73 सीट जीते थे, इस बार लोगों ने पूछा कि क्या आपका लक्ष्य है, तो मैंने कहा 74 प्लस, तो कहा 73 तो सीट जीते थे, 74वीं सीट कौन होगी, तो मैंने कहा आजमगढ़ होगी। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, क्या 74वीं सीट भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ देने जा रहे हैं? इधर पूछ रहा हूं, बीच में इधर, और भाइयों बहनों मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं, आजमगढ़ को एक पहचान दिलाने के लिए। सीएम योगी ने कहा कि सपा बसपा की सरकारों ने आजमगढ़ को बदनाम किया है, बाटला के बाद आजमगढ़ को आतंकगढ़ के रूप में बदनाम किया, यहाँ मुझ पर भी हमला हुआ, यहाँ का हर युवा बाहर जाता है तो उसे आजमगढ़ के नाम पर कमरा नहीं मिलता, अब युवाओं के सामने पहचान का संकट अब खत्म होगा, निरहुआ यहाँ की नई पहचान होगा। सीएम ने कहा कि निरहुआ कला एवं संस्कृति की पहचान है। आप सब जानते हैं आज देश और दुनिया के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को इतना बदनाम करवा दिया है। आपने देखा होगा जब यहाँ बटाला हाउस का कांड हुआ था दिल्ली में, कितनी बदनामी हुई थी आजमगढ़ की, और तब मैं स्वयं आजमगढ़ आया था, आजमगढ़ में मुझ पे भी हमला हुआ था, लेकिन हमले की परवाह के बगैर आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का जो कार्यक्रम हम लोगों ने उस समय जगाया था, आज आजमगढ़ की उसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। कभी आजमगढ़ की पहचान यहाँ के साहित्यकारों से, यहाँ के कलाकारों से, यहाँ के हरहरपुर जैसे घरानों से होती थी, और आज आजमगढ़ को सपा बसपा ने आतंक और अपराध का गढ़ बना करके बदनाम करने की जो कुत्सित चेष्टा की है, इससे उभारने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट किस रूप में होता है, आज अगर आजमगढ़ का कोई नौजवान आजमगढ़ से कहीं बाहर जाता है, अगर वह आजमगढ़ नाम लेता है, होटल में कमरे नहीं मिलते, कोई किराए पे मकान नहीं देता, न जाने कहां पर क्या घटित हो जाए, क्योंकि जैसा नेतृत्व आजमगढ़ से चुन करके जाता था, वह उसी प्रकार की छाप आजमगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर पहुंचती थी, और उसकी आंख से आजमगढ़ का प्रत्येक नागरिक उस ऑफिस में झुलसता हुआ दिखाई देता था, नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसीलिए मैंने भोजपुरी का एक सुप्रसिद्ध स्टार आपके सामने दिया है, जो आपकी कला, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति और आपकी विरासत को लेकर के जिसने गरीबी झेली है, गरीबी देखी है, और गरीबी में संघर्ष करते हुए अपनी एक मुकाम बनाई है, और अपनी पहचान बना करके आज आजमगढ़ को भी एक नई पहचान दे सकते हैं, और इस पहचान को देकर के यहाँ के युवाओं के जीवन को उज्जवल राह दिखा सकते हैं। इसीलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैं आजमगढ़ में लेकर के आया हूँ। सीएम ने कहा कि सपा के लोग अपने डीएनए से अपराध को जोड़ते हैं। आजमगढ़ गोरखपुर और बनारस के बीच में है, लेकिन जितना विकास गोरखपुर और वाराणसी का हुआ, उतना आजमगढ़ का नहीं हुआ। यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री को हम लोग यहाँ लेकर आए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराया। अब हमारी प्राथमिकता यहाँ विश्वविद्यालय की व्यवस्था कराना है।
आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ नया और विकास की सोच वाला प्रतिनिधि चाहिए। चुनाव के बाद विश्वविद्यालय का शिलान्यास निरहुआ के साथ होगा। सपा बसपा के लोग अपराध के साथ अपनी प्रवृत्ति जोड़ते हैं, अपने डीएनए को जोड़ते हैं, अपना पहचान जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसलिए बटाला हाउस की घटना का समर्थन करते हैं। हम लोगों के लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, यहाँ का विकास महत्वपूर्ण है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आजमगढ़ में मेरा बार बार आना होता रहा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काटता था, अब दुश्मन को घर में घुसकर मारना हमने शुरू कर दिया है। यह मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार ही कर सकती है। आप आतंकवाद से युक्त भ्रष्टाचार युक्त भारत नहीं चाहते हैं तो मोदी सरकार बनवाइए। इस विजय रूपी हार में एक फूल आजमगढ़ का भी होना चाहिए। सीएम ने कहा कि सूबे में अब दंगे नहीं होते, अपराधी जेल में या राम नाम सत्य है। पुलवामा में जैसे ही हमारे सैनिक शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन घोषणा कर दी थी कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुश्मन कहीं भी छुपा होगा, पाताल में भी छुपा होगा, उसको निकाल बाहर लाएंगे और उसको उसी की मौत मारेंगे। और भाइयों बहनों, 72 घंटे के अंदर सभी आतंकियों को मार गिराना और 10वें दिन पाकिस्तान के अंदर चढ़ करके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार ही कर सकती है। सेना के शौर्य पराक्रम पर कभी कोई संदेह नहीं था, किसी को संदेह नहीं था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व पर, उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी नियत पर सदैव वोट जरूर रहा है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई ताकत भारत को डिगा नहीं सकी, भारत को झुका नहीं सकी और भारत ने अपने मिशन में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए दुश्मन की मार्ग में घुस करके आतंकियों को मार गिराया, उनके कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपको कैसा भारत चाहिए? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।